दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऐसे वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऐसे वीडियोस में। नमस्कार मित्रों, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल ऐसे वीडियोज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आगे वो मूर्तियां देखने वाले हैं जो इससे के पहले वीडियो में बन रही थी और वो तैयार हो गई है, और कुछ मूर्तियां अभी भी बन रही है क्योंकि कुछ समय बचा है अभी नवरात्रि के लिए। 10 से 15 दिन का समय है नवरात्रि उत्सव के लिए, और मूर्तियों का काम, मूर्तियां रेडी है लेकिन उस पर जो कलर का काम होता है वो अभी भी चल रहा है। और काफ़ी मूर्तियां, मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स विज़िट किए हैं, वहाँ पर अभी भी मूर्तियों का जो काम हो रहा है वो सिर्फ मूर्तियां पॉलिशिंग हो रही है और कलर का काम नहीं हो रहा। कलर का काम इसीलिए नहीं होता क्योंकि जब तक मूर्तियां बुक नहीं होती हैं कलर का काम नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, एक बार मूर्तियों को कलर हो जाता है फिर उसका विसर्जन करना पड़ता है। यदि मूर्तियाँ कलर नहीं होती है और बिना कलर की होती तो उन्हें वापस भी किया जाता है जहाँ से वो मूर्तियाँ लाते हैं, या फिर उसको अगले साल के लिए रखा जा सकता है। इसीलिए मूर्तियों का तब तक कलर नहीं होता जब तक वो मूर्तियाँ बुक नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम लोग वो सारी मूर्तियाँ देखने वाले हैं जिनका अभी भी काम चल रहा है। मूर्तियाँ भी देखेंगे जो अभी रेडी है, और इस साल नवरात्रि 2020 के लिए जो नए डिज़ाइंस की मूर्तियाँ आई है वो भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं लालबाग, और मेरे पीछे है अतुल आर्ट्स और अथर्व आर्ट्स। इन दोनों वर्कशॉप्स में काफ़ी रंगीली मूर्तियां, काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां यहां पर मूर्तियां वो रेडी है, और कुछ एक या दो मूर्तियां जो बन रही है। और यहां पर अथर्व आर्ट्स में भी काफ़ी मूर्तियां जो रेडी है और कुछ मूर्तियों पर काम हो रहा है, यानी जो फाइनल पॉलिशिंग का काम, कलर का काम वो चल रहा है। तो दोस्तों आइए चलिए हम अथर्व आर्ट वर्कशॉप में जाकर देखेंगे नवरात्रि 2020 के लिए जो नवरात्रि देवी की मूर्तियां बन रही है वो किस तरह की मूर्तियां बन रही है, और इस साल कौन सा नए डिज़ाइन वो बना रहे हैं। तो आइए चलिए वर्कशॉप्स को विज़िट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे मूर्ति का पेंटिंग का काम चल रहा है, वो नज़दीक जाके हम देखेंगे किस तरीके से पेंटिंग हो रही है। तो मेरे पीछे एक मूर्ति पेंट हो रही है, और जो आर्टिस्ट है पेंट कर रहे हैं उनका नाम है जितेंद्र जी, और उन्होंने काफ़ी मूर्तियों को पेंट किया है। देखिए, इस मूर्ति को भी वो कलर कर रहे हैं, साड़ी का कलर कर रहे हैं। और सप्तश्रृंगी भी देवी माता है उस तरफ, या उस मूर्ति का भी पेंटिंग का काम जितेंद्र जी ही कर रहे हैं। लगभग आंखें जो है इनकी तैयार हो चुकी है देवी की, और ये जो मूर्ति है इसके साड़ी का कलर है। और इस मूर्ति में और क्या क्या पेंटिंग होना बाकी और कितना समय लगेगा इस मूर्ति को पेंट होने में, तो हम जितेंद्र जी से पूछेंगे। कितना टाइम और लगेगा इस मूर्ति को पेंट होने में? अभी साड़ी का कलर जो है चालू है, उस पर फिर डबल कोट आएगा, शेडिंग आएगा फिर, और फिर एक एक उस पर गोल्डन जो है बाद में गोल्डन लगेगा जो ऊपर का। अभी ये डबल काम हो गया थोड़ा सा, बारिश जो आ गई थी ना, तो थोड़ा सा बारिश की वजह से वो गीला रह गया, सूखा नहीं है। अच्छा, मूर्ति जो है वो गीली थी, सूखी नहीं थी ना? हाँ, पूरी सूखी नहीं थी वो, फिर और धूप भी नहीं गिरी थी, तो थोड़ा सा लेट काम चल रहा है अभी। हाँ, तो अभी धीरे धीरे प्रोसेस में चालू है, अभी 4-5 दिन में वो कवर हो जाएगा।
बाद में आपको जो देखने के लिए तैयार हो जाएगी मूर्ति, यानी उस पर फिर वो साथ चढ़ेगा धीरे धीरे। और काफी अभी शेप का काम जो है थोड़ा फिनिशिंग में, फिनिशिंग रह गया थोड़ा सा। ओके, तो अभी इसमें जो फिनिशिंग का काम बाकी है, यानी तीन चार दिन और लग जाएंगे इसको फिनिशिंग में। जो शेर का है उस पर भी अभी फिनिशिंग बाकी है, और जो गोल्डन देवी के जो गहने हैं, गहने गंगावन जो है, हाँ पीछे जो बाल है, डायमंड वर्क आएगा, फिर इसमें मुकुट जो है चलेगा, मुकुट में डायमंड वर्क आएगा, नाक का प्रभाव जो है, अभी इसमें हीरे आएंगे जो फिर अच्छा दिखेगा। और इसमें शस्त्र आएंगे यहाँ पे, जो शस्त्र रहते हैं, देवी का त्रिशूल, तलवार रहेगा, खड्गा रहेगा, ये अग्नि रहेगा यहाँ पे, सारे शस्त्र भर के आएगा। यानी मूर्ति कंप्लीट होने में 4-5 दिन लगेंगे। जो इनका मुकुट है ये भी, इस पर भी मोती आएंगे, जो ज्वेलरी वर्क है वो आएगा, डायमंड आएगा, फिर इनके जो ज्वेलरी है उसको गोल्डन कलर, ज्वेलरी जो रहती है ना, ओरिजिनल ज्वेलरी जो होती है। जितेंद्र जी ने कहा है, जो कलाकार है इस मूर्ति को पेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मूर्ति को बनने में धीरे धीरे उभर के आएगी, और बारिश जो हो रही थी मुंबई में लगातार, उसके कारण ये मूर्ति सूखी नहीं थी, तो अब पेंटिंग नहीं था, कलर कैसे बराबर से पकड़ता नहीं, वो फिर छोड़ देता है कलर। ओके, तो मूर्ति को ठीक ठाक जो कलर करना होता है उसके लिए मूर्ति को सूखना काफी जरूरी होता है। तो ये मूर्ति बारिश की वजह से, मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से ये मूर्ति गीली थी, और उसको सूखने में काफ़ी समय लग गया। जब सूख जाती है तब इस पर जो पेंटिंग का काम होता है काफ़ी अच्छी तरीके से पेंट सोखती है, और कलर का काम जो है इस पर उभर कर दिखता है यदि मूर्ति अच्छी तरीके से सूखी है। तो इस पर अभी मुकुट का काम बाकी है, ज्वेलरी वर्क है, फिर जो इसके जो डायमंड वर्क आएगा मूर्ति है जे इनके मुकुट पे, कुछ कुछ लोग साड़ी, ओरिजिनल साड़ी पहनाती है, ओरिजिनल जो साड़ी रहती है ना वो पहनाती है, बहुत अच्छी दिखती है। और इस पर जो है ना बाल, बाल बाल का भी जो है इसका काम बाकी, ओरिजिनल बाल का, और जो मूर्ति को जो देवी का रूप प्रदान करती है, हाँ एक ओरिजिनल रूप प्रदान करता है। यदि कोई मंडल जो बुक करता है इस मूर्ति को, जो इस मूर्ति की स्थापना करता है जो मंडल, वो कभी कभी ओरिजिनल साड़ी भी इसको पहनाते हैं। का रंग रहते हैं, नौ रंग जो बोलते हैं ना, 9 दिन में 9 रंग आ जाते हैं, और जैसे ऑरेंज है, पर्पल है, जैसे गुलाबी पिंक टाइप का है, ब्लू कलर का है, जो हर दिन का एक महत्व रहता है, कलर का भी महत्व रहता है ना, कलर का भी महत्व होता है। तो जो लोग इस मूर्ति को ले जाते हैं स्थापना करने के लिए, वो हर दिन अलग अलग कलर की साड़ियाँ भी पहनाते हैं, मंडल ले जाते हैं वो हर दिन अलग अलग कलर होता है, जो देवियों को साड़ियाँ पहनाते हैं अलग अलग दिन के अलग अलग कलर होते हैं साड़ी के, तो वो देवी को पहनाए जाते हैं। मूर्ति है उसकी बुकिंग हुई है या नहीं ये जितेंद्र से पूछेंगे, जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, बुकिंग हो गई है मूर्ति की? हाँ, इस मूर्ति की बुकिंग हो गई है, टैग भी लगा है, ये नाम से है अथर्वाड़, हाँ अथर्वाड़ से है, गोलार समाज का इन्होंने बुक किया है ये मूर्ति, और कल्चरल हिसाब से जी हाँ ये मूर्ति पैटर्न टाइप जो लोग रहे थे, ये मूर्ति जो है बुक हो चुकी है, यानी मंडल ने मूर्ति बुक की है, और अब उनके हिसाब से इस पर कलर हो रहा है, उन्होंने जो इनको कलर का डिमांड किया है उस हिसाब से कलर हो रहा है। कुछ लोग मूर्तियां ले जाकर जो हर दिन का पैटर्न होता है ओरिजिनल साड़ी पहनाते हैं, हर दिन अलग अलग शेड होता है, अलग अलग कलर होता है देवी पर, अलग अलग रोज साड़ियाँ जो है हर दिन चेंज करते हैं, पहना देते हैं एक के ऊपर एक ऐसे, और फिर उसका एक एक बार थोड़ा थोड़ा बाद वो दिखाते हैं, नौ रंग की 9 साड़ियाँ एक ही इस पर पहना देते। तो काफ़ी मेहनत और कारागिरी का काम रहता है वो, और मूर्ति एकदम, यानी वो पेंट जो होता है वो पेंट तो करते हैं, लेकिन ओरिजिनल साड़ी एक के ऊपर एक ऐसा 9 साड़ियाँ पहनाते हैं। ओके, 9 साड़ी जो साड़ी पहनाने जी, फिर हर दिन चेंज करने की जरूरत नहीं है, 9 रंग एक ही टाइम में। ओके, ये मेरे पीछे सप्तशृंगी माता की मूर्ति है, इससे पहले की वीडियो में वो मूर्ति जो है कलर नहीं हुई थी ठीक ठाक से, देखिए इस बार कलर का काम इसका चल रहा है, और ये मूर्ति बुक हो चुकी है, और इसकी आँखें हैं वो आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, काफ़ी खूबसूरत जो कलाकार इसने आँखें बनाई है ये काफ़ी खूबसूरत दिख रही है ये मूर्ति आँखों की वजह से, तो मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ।
ये मूर्ति है, इसका भी कलर का काम अभी शुरू है, मतलब फिनिशिंग बाकी है कलर का, दो या तीन दिन लग जाएंगे। और लेबल लगा हुआ है पत्थर को आर्ट का, और ये मूर्ति बुक हो गई है श्री मुर्गन मित्र मंडल। तो ये मूर्ति बुक हो चुकी है और लगभग 3 से 4 दिन में ये रेडी हो जाएगी। इस पर कलर का जो फिनिशिंग का काम है वो अच्छा चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ आपके कमेंट ज़रूर टाइप कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।